1897 में भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखौर पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह मनसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उल फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर। हमारे
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है, और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोपते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था, मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनकाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसे साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। बादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूं। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से हजार हो जाएंगे। वो 5,000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा बुल बादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मेहमद अल्लाह, यहां आकर एक होने का सबक तो दे दिया बुल बादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहां थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुल बादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमदुल्ला। जो बच्चों घर इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ा पर आए या हाथियों पर,
और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की, थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम को आवा, दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, चांस सिंह। साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे। बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear. Headquarters ने मना कर दिया है। What can we do? मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी, 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह, come on, don't be shy old chap, nothing to worry about, closer, closer. Come on, a bit closer. A bit more closer. That's perfect. So, tum apne senior officer ke hukam mana kar rahe ho? Wo baat nahi sir. Mujhe jaane do, main 2 hafte mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na. Aap afsar log bhi to jaate ho chuti par. Pichle mahine aap hi to gaye the na. अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप। बुटा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhatia! Apologize! Kamala Naman, Mahi Mangala. Ek! Ding! बच कर जाए ना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਮਨ ਕਰ ਇਨਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਫੌਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਪਹਿਨੂੰ ਇਨਕੇ, ਸਮਾਨ ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਚੱਲ ਤੋ क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। पुत्तर आ जा, बैठ के कट्ठे रोटी खाने। इशर पुत्तर आ जा, बैठ के कट्ठे रोटी खाने।
निकली है। मेरे से गया बापू, तेरा पुत्र इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। और याद में सिपाही का खून जाता है। हां सुने, टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
Sir. Thank you, Chancellor. Sir. It's very tasty. It's our Miliga. Bilkul, sir. Thank you. Sir. सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया शुक्रिया और हाँ चंद सिंह अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साय वापस जिंदा ना लौटे नहीं लौटेंगे साहब इस बार ही 1000 आए थे अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब जज्बा लगता है तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह अगली बार और अक्साय 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिससे औरकजाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की इस दुस्ती ही रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम दुस्ती रख लो इसी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा भी ले मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को ये भी तू नहीं सिखाया ना इसको शुरू करो पापा जी और सब ठीक तो चल रहा है ना तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्ट पे ठीक नहीं है पापा जी क्यों अफगानियों का एक कबीला है और अक्साई नाम से उस सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे वो किले है किला लुकाट ते किला गुलिस्तान हमारी 36 सिख रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजा इन दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबा जी जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी आपको सिखा दूँ मैंने कहा आपको याद है जब मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबियां चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा भी रे हाँ जी हाँ जी मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले में तो बूटा रहता ये पहलवान कौन है आओ बाबा जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल बूटा की होया पुत्र है भाई ओए इत्थे की होया ओए इत्थे ओए खेतों वाले मसले बैठ जा सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल ईश्वर सिंह की हाल रब दी मेहर जी तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ? ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ, ਕਿਉਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੜਾ ਗੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਮਾਫ਼ੀ? ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਟੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਾਇਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਗਿਰੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਤੀ ਦਾਨ ਪਗੜੀ ਬਾਨ, ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਇਹ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬਦਲਾ ਤੈ ਬਦਲਾ ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਗਾੜ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦੁੱਲਾ, ਆਜ ਕਾ ਬਦਲਾ ਆਖ, ਆਜ ਕਾ ਬਦਲਾ ਆਖ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले। कुछ हलचल हो रही है। वो कबीले वाले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया। देख लेते हैं ऐसे भी, चलो देख लेते। जिंदा है क्या करें? सौरगढ़ को सारा गढ़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिब? मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। आमिर ने जिंदगी बख्शी लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारागढ़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारागढ़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। सारागढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान है जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है, उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। आप ही की होगी अगर हमारी फतेह ना भी सही है, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार तैयार जी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाई को देना पड़ेगा। पहला झंडा शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे? मतलब 10 10 12 12 हजार बंदा हमारे साथ। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। Está
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragarhi. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. Haan ji, bhaji. Why do no post over Sunday Sapeshne? Fight by Jarke, two daste aare. Hamla jaldi hone wala hai. हो गया भाजी चंगा for 6 hours. Tell Isha to abandon it will. Ajay, Gurista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे चलो रवि मेरा दस्ता तैयार है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते कोई गल नहीं काके अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं और रोकेंगे जरूर रोकेंगे हीरा जी पाजी एक काम कर जी जनाब देखो जनाब एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है ओए तलाशी लो इसको जी जनाब जनाब
पेशावर से बर्तानिया फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोलिस्तान सारागिरी और लौका की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहे हो, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा तो मेरा हमारे साथ है। मैंने बोला दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या? फिर और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे, सबसे पहले सारे लिए, ताकि गोलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़े तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। और सुनो, बाकी 10 तो पे पैगाम भेज दो। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब, गुलबाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है? चलो घोड़ों को वापस लाओ। बोला ते परा ए यो ना गल ते किरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा ओए आजा गुल बादशाह, आजा।
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Saragarhi? But why is Gulatek in Saragarhi first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Saragarhi immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर जी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है, जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखे, ये भी लिखो। हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकाट पे औरतें और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। पाजी, उनका वापस संदेश आया है, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जवाब भेज, लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें। ठीक है भाजी। कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, हाँ, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुल बादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना। ओए, हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस दिशा आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। Thank you.
यहाँ से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार? रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। बंदूक बाजी रबरा और रबरा खा। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मैम अदालत। हमने सोचा था कि हमको सारागिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारागिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे। Thank you.
पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें बंदूकें चला रहे हैं। तैयार। एक मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के डर धड़के से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारागढ़ी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तो मैंने कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragarhi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could have been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir! Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir! Yaad rahe, heliographic badlon ki wajah se kam nahi karenge. Yes, sir! सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Ishan Bajay!
ये तो हीला की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था आ रहे बंदे सारे।
जल्दी। दुश्मन को आगे आने दो, उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे कितने बंदे हैं। इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर पाजी फिक्र न करो, आने दो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता है गुरबादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरना भेज दिया हमारे अटू। हां गुरबादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। कमीनो, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। दिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू, शिवाजी, अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। भाई गुरु जी का खालसा। भाई गुरु जी की फतह। भाई तो पैसा अपने लेकर आओ। दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं, तोपों का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुरबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं थे। सही पहचाना। ऐशर से गुरबादशाह और सही की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा वो बेवकूफ बना है। और ये फौजियों का पुतला रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल, हौसला है उसमें, पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो कशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है।
जल्दी वो आगे, तो मेरी बात सुनो। पहले की तरह आगे पीछे वाला दस्ता, 100 बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए। नीचे 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 सबसे बाद उसी पे सलाह शहीद हो गए। ये हुई ना बात मेरे भतीजे। और चलो भाई, मेरे दादा वो मेरे दादा, जल्दी जल्दी। नीचे नीचे। और दूसरी की बात है नीचे। वाइटल वाला दस्तार। हमारे एक सिपाही की जान, हमने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा दी है बंदान का खत्म कर दिया। तो किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? तो मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो बहता खून ना, खून नहीं रहता, पानी बन जाता है। है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी लगों में पानी बह रहा है? कोई नहीं बाजी। और चंद ना हथियारों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है, जंग हिम्मत से जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह, इसके इरादे नापाक है। तुम्हारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे। कोई तो पोस्ट है मेरे पास, लुकाट टकुलिस्ता टीवी सामने टेंट बैट में मेम सब, और हमको कैसे मारना है अपने बच्चों की तरह? हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है चाहे हम अपने परिवार भी करते हैं। उन्हें तक दुश्मन का पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा।
ये तो साहस है ना, मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, जैसी चली गई ते चली गई। कोई सवाल से कोई शक कोई सवाल से कोई शक कोई मैसेज सारागढ़ी से? नहीं सर। इसका मतलब सारागढ़ी का हेलीग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है। Damn it! Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? Then who is doing the firing? Stop. Hum dusri palatan lekar Saragarhi jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. Ji sir. Saragarhi ko hamari madad ki zarurat hai. Hum taiyar hain sir. Kala Singh, tum har waqt yahi rahoge. Aur jab bhi koi khabar aaye, hame turant khabar kar dena. Ji sir. यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरे दस्ते को मिशन तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुधरू से नहीं है, बरदाने से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले Thank you.
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। और बाबा आपके परेशान, आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा, काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसके जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब, आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर बाजी, अपने फौजी रास्ते में फौज नहीं वाले। थैंक यू सपोर्ट फॉर ईच अदर। हाँ सुनो। ये दरगाह तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। ये दस्तान तो बचा नहीं पाया। वाकिया जीवा हो? सास से भी कम है। अरे और कोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ऐशर से सारे के लिए हार गया। अलग जाइयो करा। स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। तू घर से सारा के लिए हार गया। इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने मेरी को जाएंगे। अपने फौजी रास्ते में फौज नहीं वाले।
हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। लो पाजी संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। और ओए भाई करूं क्या संदेश भेज रहा है? छह शून्य अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मुझे। वही गुरु मेहर करूं पर मेहर करवाए गुरु मेरे मालिक। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काले सिंह कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कर्मों की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु मेहर करूं सब पर।
मेरे जवानों, नारायण राम तत्तु। अरे आप हम 36 रेजिमेंट के सिर पर कैसल फ्रोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, बलदार ईशा सिंह। लेकिन अब तुम सब आ रहे हो। जिंदा हुकुम देने वाला कोई है? इनाम लेने वाला दुश्मन गारा की तादाद में हमारे सामने और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम यहां ले जाने नहीं देंगे। गुलबाज चाहकर ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
पर पड़ोसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Saragarhi and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये करा भाजी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहने में साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। हमको लगा सारा के ये धन जब कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा, तो बादशाह तुझे इसकी सजा देगा। ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी।
ये सारागिरी तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है। ईश्वर सिंह, ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार ईश्वर सिंह, ये इधर गया तुम्हारा गुरूर है, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए हो, ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया, ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेटी को देगा। Thank you.
मौत से नहीं डरता गुलबच्चा। इसको आपको बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगाती हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है और मैं तेरे सामने खड़ा हूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सरगरी हमारी है। अल्लाह अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें। सही
Let's go inside.